हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सोच पर प्रहार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर हम बात करते हैं लीगल एजुकेशन की, तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यदि किसी महिला के साथ कोई क्रूरता होती है, किसी प्रकार की बर्बरता होती है, किसी तरह से उसे परेशान किया जाता है, ताने दिए जाते हैं या अन्य प्रकार से उसे परेशान किया जाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया है। लेकिन ये जो एक्ट है इसको हमेशा इस तरह से देखा जाता है कि इसके अंतर्गत केवल जो पत्नियां हैं वो ही अपने पति और रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको एक अलग पहलू से विचार करने वाले हैं कि यदि घर में सास है, यानी कि जो लड़का है लड़के की माँ है, और बहू के द्वारा उनके साथ क्रूरता की जा रही है, किसी प्रकार से उन्हें परेशान किया जाता है या ताने दिए जाते हैं, ठीक से खाने पीने को नहीं दिया जाता है या फिर अन्य प्रकार से गाली गलौज किया जाता है, किसी और तरह से उन्हें परेशान किया जाता है, तो क्या वो सास अपनी बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती हैं और उसकी प्रोसीजर क्या होगी, इस सारी बात पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे कानून की जानकारी मिले, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स का जवाब देकर आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो दोस्तों, क्या एक सास अपनी बहू पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मुकदमा दाखिल कर सकती है? तो इसका आंसर है यस। सास को भी ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी बहू पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मुकदमा दाखिल करा सकती है, और इसका प्रोसीजर बिल्कुल वही होगा जिस प्रकार से एक पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराती है, ठीक इसी प्रकार से एक सास भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। और शॉर्ट में मैं आपको बता भी देता हूं, आपको इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाना होगा। हर एक जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर इस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, उसको आप अपनी शिकायत देंगे, वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, संज्ञान लेगा और मामले को आगे प्रोसेस करेगा, या फिर आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट को भी अपनी शिकायत दे सकते हैं, और जब मजिस्ट्रेट को शिकायत मिलती है तो उसके बाद वो जो भी अक्यूज पर्सन है उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू नोटिस सर्व कराएगा और उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा। जो कोर्ट होती है 3 दिन के अंदर इस मामले का संज्ञान ले लेती है, और नियम यह है कि 60 दिन के अंदर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए, इसको निपटा दिया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोर्ट को इसमें कई सारे ऑर्डर पारित करने होते हैं और भी कई वजह होती हैं, तो प्रैक्टिकली इसमें 6 महीने या कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना कि कोई सास, बल्कि सास ही नहीं घर का कोई भी मेम्बर, यानी कि ये हो सकता है कि जो पति की बहन हो उसको परेशान किया जा रहा है, तो पति की बहन यानी कि ननद या सास या घर की कोई भी महिला जिसके साथ क्रूरता या बर्बरता की जा रही है वो भी इस कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकती है। तो ये थी आज की जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।